स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 का सेट 7 और ये एग्ज़ाम हुआ था 8/8/2017 को इवनिंग शिफ्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, एक ये क्वेश्चन है और टिपिकल ऑफ एसएससी क्वेश्चन आप मान सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में दो या तीन जगह कन्फ्यूज़ किया गया है। माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेज हिज ब्रेड एंड बटर। देखिए, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है अपनी आजीविका चलाना, अपना खर्चा चलाना, अपनी फैमिली को चलाना, उसको हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर को हम फिजिकल सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि आजीविका का साधन, सोर्स ऑफ अर्निंग। तो ब्रेड एंड बटर तो यहाँ पर सही है, और माई एल्डर सन सिंगुलर है तो उसके लिए यहाँ पर डील्स लगा हुआ है जो कि सही है, ठीक है। यहाँ पर मैनेजेस लगा हुआ है, मैनेज में एस लगा हुआ है जो कि सही है। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाल दी जाएँ तो यहाँ पर इसमें एरर हो सकती है। जैसे यदि डील में से एस हटा दें तो एरर हो जाएगी इसमें, ठीक है। मैनेज में से एस हटा दें तो एरर हो जाएगी, क्योंकि माय एल्डर सन जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए एस यहाँ पर जो लगा है वो सही लगा है, सिंगुलर वर्ब उसमें हम यूज़ करेंगे। और सन के लिए यहाँ पर हमने हिज का यूज़ किया है तो ये भी सही है इसमें। तो इसमें गलत क्या है, इसमें गलत है ये वाला जो फ्रेज़ है, ये गलत है इसमें। डील विद और एक होता है डील इन। डील इन का मतलब होता है गुड्स में डील करना, यानी किसी सामान का व्यापार करना। डील्स इन गुड्स, डील्स इन स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। तो जब हम बिजनेस के सेंस में इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है डील्स इन। और जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से डील करते हैं, उसका सामना करते हैं, उसको फेस करते हैं, तो उसके साथ आता है यहाँ पर विद। चूँकि यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स की बात हो रही है, यानी यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है कि वो किस बिजनेस में डील करता है, किस बिजनेस में डील करता है, तो मैं के लिए यहाँ पर आपको इन का प्रयोग इसमें करना पड़ेगा। और इसमें आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ये जो एरर है प्रपोजिशन की, ये है फर्स्ट पार्ट में, तो इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं डील विथ समबडी मतलब फेस समबडी, डील विथ समथिंग फेस इट, और डील इन। डील इन का प्रयोग करते हैं हम जब आप किसी बिजनेस में या किसी सामान में या गुड्स में आप डील करते हैं बिजनेस पर्पज से। तो डील विथ का प्रयोग होगा व्यक्ति के लिए और डील इन का प्रयोग होगा किसी बिजनेस में वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी में टीयर 1 और टीयर 2 में और दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप एकदम से इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्नेहा वॉज अक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। देखिए, इसमें नॉट गिल्टी वर्ड यूज़ किया गया है इनोसेंट की जगह। तो ये एक एग्जामिनर की एक स्टाइल होती है एस्पिरेंट को कन्फ्यूज़ करने की, ठीक है। नॉट गिल्टी का अर्थ है इनोसेंट, मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया, तो नॉट गिल्टी जो है ये यहाँ पर सही है। एक्विटेड का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को छोड़ देना या उसको बरी कर देना। तो स्नेहा वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग, एक्चुअली होना चाहिए अक्यूज्ड के बाद हम ऑफ लगाते हैं और ऑफ के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पार्ट में इसमें गलती है और इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। देखिए, किसी भी एरर के बारे में यदि आप 100% श्योर हैं कि यहाँ पर यही एरर होगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस पढ़ें। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन एसएससी एग्ज़ाम में पर्टिकुलरली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बेसिक ग्रामर पर बेस्ड होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नॉर्मली नहीं आते। कभी कभार इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आपका आंसर होगा और नीचे इसमें एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि अक्यूज्ड इज फॉलोड बाय ऑफ। अक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोप लगाना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माय सिस्टर्स मैरिज पास्ड पीसफुली। ये एक फिलर का क्वेश्चन है और पास के साथ, पास एक वर्ब है और इसके साथ काफ़ी सारे वर्ड जुड़ते हैं, काफ़ी प्रपोजिशन और एडवर्ब, ठीक है। वर्ब के साथ जब प्रपोजिशन या एडवर्ब हम जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजल वर्ब, ठीक है। तो इसके साथ या तो प्रपोजिशन जुड़ सकता है या एडवर्ब जुड़ सकता है या दोनों जुड़ सकते हैं, दोनों भी जुड़ जाते हैं। जैसे एक होता है लुक डाउन अपॉन, ठीक है। तो
कई एग्जाम्पल्स में या कई वर्ड्स में ये दो वर्ड भी साथ में जुड़ जाते हैं, नॉर्मली या तो प्रपोजिशन जुड़ता है या एडवर्ब जुड़ता है। तो यहाँ पर आप सेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट पीसफुली, जब कोई चीज़ सक्सेसफुली या अच्छे तरीके से संपन्न हो जाती है, कंक्लूड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड पास्ड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मेरे सिस्टर की मैरिज जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, संपन्न हो गई, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पास ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। पास बाय का अर्थ होता है कहीं से गुजरना, पास अवे का अर्थ होता है डेथ हो जाना किसी व्यक्ति की, और पास आउट का अर्थ होता है अनकॉन्शस हो जाना यानी बेहोश हो जाना। तो यहाँ पर ये सारे मीनिंग्स मैंने लिखे हैं, पास ऑफ, पास अवे, पास आउट, पास बाय। तो जिस भी सेंस में आपको सेंटेंस मिलता है उस सेंस के अकॉर्डिंग आपको प्रपोजिशन या एडवर्ब जोड़ के उस वर्ब को फ्रेजल वर्ब में चेंज करना है। तो यहाँ पर माई सिस्टर्स मैरिज के लिए, चूँकि उनकी सिस्टर की मैरिज हैपन हुई या घटित हुई या वहाँ पर वो संपन्न हुई, तो इस सेंस को पूरा करने के लिए यहाँ पर हम पास ऑफ वर्ड का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये भी एक टिपिकल एरर्स हैं जिसमें फ्यू, द फ्यू और ए लिटिल, इनका डिफरेंस पूछा जाता है, और यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। फ्यू को हम लगाते हैं काउंटेबल के लिए और लिटिल को हम लगाते हैं अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू को हम लगाते हैं जिसको हम कोई भी ऐसी नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, लिटिल को हम लगाएंगे कोई भी ऐसी नाउन के लिए जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे फ्यू को हम लगा सकते हैं पेन के लिए, बुक के लिए, मैन के लिए, इनके लिए लगा सकते हैं फ्यू। और लिटिल को हम लगा सकते हैं अनकाउंटेबल, जैसे ऑयल हुआ, शुगर हुई, कोई भी चीज़ जो जिसको हम गिन नहीं सकते, केवल मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि बुक्स की बात आ रही है तो इसलिए इसमें लिटिल के सारे ऑप्शंस इसमें गलत होंगे, इसमें फ्यू आएगा। अब फ्यू का कौन सा वर्जन इसमें आएगा, आ फ्यू आएगा, दा फ्यू आएगा या फ्यू आएगा, ये आपको सेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अब यहाँ हम देखते हैं देयर आर बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। मतलब आपकी लाइब्रेरी में कंप्यूटर साइंस पर कोई भी बुक नहीं है इसलिए आपको परचेज करना पड़ेगा। देखिए, हम परचेज किसी भी चीज़ को कब करते हैं, जब उसकी क्वांटिटी ना के बराबर होती है या नहीं होती। ठीक है, तो ना के बराबर क्वांटिटी है इसीलिए आपको उन बुक्स को, कंप्यूटर साइंस की जो बुक्स हैं उनको परचेज करने के लिए मार्केट जाना है। यदि होती तो आप मार्केट नहीं जाते। तो यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो निकल रहा है कि ना के बराबर बुक्स जो हैं या तो नहीं हैं या ना के बराबर हैं। तो निगेटिव सेंस को कन्वे करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यू का, पॉजिटिव सेंस को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं ए फ्यू, इसका अर्थ होता है सम या कुछ। और दा फ्यू का भी अर्थ होता है, दा फ्यू का अर्थ होता है जितना भी है वो सभी का सभी, मतलब जितने भी संख्या में कोई चीज़ है वो सभी को कंसीडर किया जाना चाहिए। जैसे यदि मैं बोलूं कि द फ्यू सजेशंस दैट ही गेव मी वर वेरी यूजफुल, मतलब उसने जितने भी सजेशन दिए, उसने जो सजेशंस दिए वो ज़्यादा नहीं थे लेकिन सारे के सारे सजेशंस काफ़ी यूजफुल थे। तो इस सेंस में हम द फ्यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्यू। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब देखिए, यहाँ पर हम आप देख सकते हैं फ्यू का अर्थ होता है हार्डली एनी, ए फ्यू का अर्थ होता है सम या कुछ, और द फ्यू का होता है ऑल दैट इज़ प्रेजेंट, मतलब जितने भी संख्या में नंबर है उस सभी को कंसिडर किया जाना चाहिए। फ्यू को हम लगाते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, और लिटिल को हम लगाते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये SSC CGL और SSC के दूसरे एग्जाम्स के लिए, टीयर 1 और टीयर 2 के लिए। यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी एक नाउन है और एट्रोसियस इसका एक एडजेक्टिव बन जाएगा, एट्रोसियस। तो एट्रोसिटी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करना, ठीक है, क्रूरता करना, और क्रूरता के लिए जो वर्ड है वो है बारबेरिटी। तो बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। शाय का अर्थ होता है शर्मीला, ग्लूमी का अर्थ होता है दुखी, डिफ़िकल्टी का मतलब परेशानी। तो एट्रोसिटी का सिमिलर वर्ड होगा बारबेरिटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोकेस्टिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आ चुका है। प्रोकेस्टिनेट का अर्थ होता है डिले। डिबेस का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना। डाइवर्ट मतलब ध्यान को डाइवर्ट कर देना, मोड़ देना उसको। डिले, डिसीव का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को धोखा देना, डिसीव।
और इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है डिसेप्शन, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड और मैं बता रहा हूँ आपको, SWINDLE, स्विंडल। स्विंडल का अर्थ होता है धोखा देना। और इसके लिए एक वर्ड और है ब्लफ, BLUFF, एक मूवी भी ब्लफ मास्टर के नाम से। तो डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें ई और आई रहता है, जैसे ये ई और आई, इस तरह के वर्ड स्पेलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं SSC एग्ज़ाम के लिए। इसमें गलत स्पेलिंग या सही स्पेलिंग आपसे पूछी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताना है रॉकस। रॉकस का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा खुरदुरा या बहुत ही ज़्यादा कड़ा। आवाज़ के सेंस में इसको यूज करते हैं, साउंड के सेंस में इसको हम यूज करते हैं। तो हॉर्स का अर्थ भी खुरदरा या कड़ा होता है, जेरिंग का अर्थ भी नॉन मेलोडियस होता है, टोरेंट का अर्थ होता है फ्लो, किसी भी चीज़ का एक फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं टोरेंट। तो यहाँ पर ड्यूल सेट जो होगा ये सही आंसर होगा, क्योंकि ड्यूल सेट का अर्थ होता है बहुत ही मेलोडियस। ये एक अच्छा वर्ड है। प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन का क्या अर्थ है? प्रेडिलेक्शन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के प्रति एक लाइकिंग होना, एक फॉन्डनेस होना, किसी व्यक्ति को पसंद करना, उसको हम बोलते हैं प्रेडिलेक्शन। तो प्रेडिलेक्शन के लिए यहाँ पर हम जो वर्ड लगाएंगे, अपोजिट वर्ड जो होगा वो होगा एनमिटी, यानी दुश्मनी, ठीक है। लाइकिंग का जो अपोजिट होगा वो होगा एनमिटी। इंक्लिनेशन का अर्थ होता है किसी सब्जेक्ट की तरफ झुकाव होना, जिसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड, आई वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। किसी चीज़ की तरफ झुकाव होना या पर्टिकुलर एप्टीट्यूड होना। इंड्यूरिंग मतलब सहन करना, और डोमिसाइल रेसिडेंस को हैं हम। अ वाइल्ड गूज चेज, ये एक idiom पूछा गया है 2017 में, वाइल्ड गूज चेज। देखिए गूज हम बोलते हैं हंसनी जो होती है, हंस और हंसनी आपने सुना होगा। हंस और हंसनी नॉर्मली पानी में मिलते हैं और उसको आप बहुत रेयरली कभी आप देख पाएंगे, ठीक है। हंसनी उसमें बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, और वाइल्ड गूज, वाइल्ड गूज जैसी कोई चीज़ नहीं होती एक्चुअली। तो वाइल्ड गूज को आप चेज कैसे करेंगे, जब वो चीज़ है ही नहीं तो उसको आप चेज कैसे करेंगे? तो इसका सेंस ये निकलता है कि किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे भागना जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसमें केवल आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं अ वाइल्ड गूज चेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यूजलेस सर्च। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेंटेंस मैंने दिया है, आफ्टर 2 आवर्स स्पेंड वॉन्डरिंग इन द स्नो आई रीच्ड, वी वर ऑन ए वाइल्ड गूज चेज। बिल्कुल सही। तो वाइल्ड गूज चेज का अर्थ होता है यूजलेस सर्च। मूट पॉइंट, कई मीनिंग निकलते हैं इसके। वैसे मूट पॉइंट का अर्थ होता है एक ऐसा पॉइंट जो डिस्प्यूटेड है और जिस पर क्वेश्चनिंग की जा सकती है, ठीक है। इसके कई मीनिंग्स निकलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सब्जेक्ट टू डिबेट भी होता है मूट का, मतलब डिस्प्यूट भी होता है, अनसर्टेनिटी भी होता है। और मूट हम एक ऐसी चीज को भी बोलते हैं जिसका कोई रिलीवेंस नहीं है, हैव लिटिल और नो प्रैक्टिकल रिलीवेंस, इस सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। डिबेटेबल के सेंस में भी इसको हम यूज़ करते हैं, और किसी मुद्दे को उठाना यानी वर्ब के सेंस में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। रेज अ क्वेश्चन और टॉपिक फॉर डिस्कशन, रेज अ क्वेश्चन और टॉपिक फॉर डिस्कशन, इस सेंस में भी हम मूट वर्ड को यूज़ करते हैं। तो इन अलग अलग सेंसेस में इस मूट वर्ड का यूज़ किया जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार ये पूछा गया है। यहाँ पर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हम पढ़ेंगे, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट, मतलब चेयरमैन ने उसको सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट किया क्योंकि वो काफ़ी एफिशिएंट है। अब देखिए, आप सेक्रेटरी किसी को अपॉइंट करेंगे या सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट करेंगे, ठीक है। सेक्रेटरी की तरह आप उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, उसको सीधा आप सेक्रेटरी ही अपॉइंट करेंगे। तो कुछ वर्ड के साथ हम एस लगाते हैं और कुछ वर्ड के साथ हम एस नहीं लगाते। तो अपॉइंटेड वर्ड के बाद हम एस नहीं लगाते, लेकिन सेक्रेटरी चूंकि सिंगुलर है और प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, तो इससे पहले हम ए जरूर लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सेक्रेटरी, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर आ सेक्रेटरी, एज इसमें नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये कुछ वर्ब्स मैंने दी हैं, इनके साथ आप एज लगा सकते हैं, इनके साथ, और इनके साथ आप नहीं लगा सकते। देखिए इसको याद कैसे करेंगे आप,
इसको याद करने का तरीका देखिए ये है, जैसे आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो किसी व्यक्ति की तरह या किसी वस्तु की तरह उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, इसलिए इसके पहले एस लगेगा। किसी चीज़ को आप डिफाइन करते हैं तो किसी चीज़ की तरह उसको डिफाइन करेंगे, इसलिए इससे पहले एस लगेगा। किसी व्यक्ति को आप ट्रीट कर रहे हैं, सपोज एक व्यक्ति है और उसको आप एक नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो नौकर नहीं है लेकिन उसको नौकर की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए इससे पहले एस लगेगा। तो ये इसका एक्चुअली लॉजिक है। अब किसी व्यक्ति को आप इलेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, तो वो प्रेसिडेंट की तरह नहीं है, वो प्रेसिडेंट ही है, ठीक है। इसी तरीके से अपॉइंट हुआ, किसी को सेक्रेटरी आप अपॉइंट कर रहे हैं तो सेक्रेटरी की तरह आप अपॉइंट नहीं कर रहे, सेक्रेटरी की तरह सेक्रेटरी ही है वो, तो इसलिए इन वर्ड से पहले आप एस नहीं लगाएंगे। इन वर्ड से पहले आप लगा सकते हैं, इन वर्ड से पहले नहीं लगाएंगे। कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है, क्योंकि इनको याद करना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, केवल प्रैक्टिस करना है और अपना कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है, तो उससे आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आप रिगार्ड करते हैं, किसी व्यक्ति को आप अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो वो आपका बड़ा भाई नहीं है, वो बड़े भाई की तरह है, ठीक है, तो इसलिए रिगार्ड में आप एस लगा सकते हैं। इलेक्ट और अपॉइंट में और कंसीडर में आप नहीं लगा सकते। एस कैन नॉट बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स, कंसीडर में भी एस नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी पूछा जाता है, आई विश आई वॉज अ सुपरमैन। इसमें दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, विश वाले जो सेंटेंस होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं। यदि आई विश के बाद एक ऐसा सेंटेंस आता है जो पूरी तरीके से इमेजिनरी है और रियलिटी के बाहर है, तो उसमें आप वर ही लगाएंगे। लेकिन आई विश के बाद एक ऐसा सेंटेंस लगाते हैं जो रियलिटी की लिमिट में है, जो रियल भी हो सकता है, उसमें आप जो वर्ब लगाएंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। लेकिन आई विश आई वॉज ए सुपरमैन, आप सुपरमैन नहीं हो सकते, ये पूरी तरीके से इमेजिनरी है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वर। यहाँ पर देखिए दोनों ही सिचुएशंस एक्सेप्टेबल हैं ये करेंट इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं वो इसी तरीके के पूछे जाते हैं, इमेजिनरी वाले, ठीक है, रियल वाले नहीं पूछे जाते। देखिए दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड फॉर व्हेन द स्टेटमेंट रेफर्स टू ए स्टेट आउटसाइड रियलिटी, रियलिटी से बाहर का कोई सेंटेंस है तो उसमें हम वर लगाएंगे, और यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिचुएशन रियल भी हो सकती है उसमें हम वॉज लगा सकते हैं। एक दो सेंटेंस हम देख लेते हैं। इफ ही वर गवर्नर ही कुड पार्डन यू, यदि वह गवर्नर होता तो वो आपको क्षमा कर देता, लेकिन वो गवर्नर नहीं है, ही इज नॉट द गवर्नर, तो इसीलिए इसमें हम वर लगाएंगे। और यहाँ देखिए एक सेंटेंस, इफ ही वॉज इल नो वंडर ही लेफ्ट द ऑयस्टर्स अनटच्ड, ठीक है, यदि वो बीमार होता था तो वो ऑयस्टर्स को कभी भी छूता नहीं था, ये एक रियल सिचुएशंस है, तो इसलिए इसमें हम वॉज हम लगा सकते हैं। इफ आई वॉज अनकाइंड टू यू इन दोज डेज प्लीज फॉरगिव मी, यदि मैं उन पुराने दिनों में आपके प्रति अनकाइंड था तो मुझे आप माफ़ कर सकते हैं, तो ये रियल सिचुएशंस हैं, इनमें आप वॉज लगा सकते हैं। लेकिन जो इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं, जैसे इफ़ आई वर यू, यदि मैं आप होता, यदि मैं आपकी जगह होता तो आई वुड फिक्स द लीकी रूफ, इस लीकी रूफ को मैं फिक्स करता, सही करता, लेकिन मैं आपकी जगह नहीं हो सकता, तो ये सेंटेंस जो हैं ये पूरी तरीके से इमेजिनरी हैं, तो इसमें आप वर का ही प्रयोग करेंगे सारे सब्जेक्ट के साथ, इसमें आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं इस तरह की सिचुएशंस में। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और इसमें एंग्जाइटी की स्पेलिंग सही है, ए एन एक्स आई ई टी वाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रहती है ये आई और ई वाली, बी ई एल आई, देखिए इसको याद कैसे करेंगे, बिलीव को आप याद कर सकते हैं, आई बिलीव, एक सेंटेंस याद कर लीजिए आई बिलीव, ठीक है, तो आई बिलीव में आई पहले आ रहा है तो इसलिए बिलीव में आई पहले आता है, इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक स्मेल आपको लगानी पड़ेगी। एंग्जाइटी में भी आई पहले आता है, बिलीव में भी आई पहले आता है, पिटी पाइटी पाइटी में भी आई पहले आता है, ये गलत है स्पेलिंग, ठीक है, इसमें आई पहले आता है सही है, इसमें आई पहले आता है, पाइटी में भी आई पहले आता है। पाइटी का अर्थ होता है रिलीजियसनेस, जैसे हम किसी वो होते हैं पायस, ही इज वेरी पायस पर्सन, ठीक है, तो ये स्पेलिंग गलत है। हाइट की सही है, हाइट में ई पहले आता है, यानी पाइटी की स्पेलिंग जो है ये गलत है। ये यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट और इनकरेक्ट स्पेलिंग्स दी हैं, ठीक है,
तो जो बोल्ड में लिखी हैं वो स्पेलिंग्स करेक्ट हैं और जो ब्रैकेट में लिखी हैं वो स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्पेलिंग्स हैं, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए वियर्ड में आई बाद में आता है, ई पहले आता है। वियर्ड का मतलब होता है अजीब सा, ठीक है। तो इसके कुछ आपको कुछ ट्रिक्स आप बना सकते हैं, जैसे इसको हम पढ़ेंगे इंडाइट, आरोप लगाना, इसमें भी आई पहले आता है। हैंड कर चीफ, इसको हम हैंकर चीफ बोलते हैं, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग होती है वो हैंड चीफ होती है, हैंड कर चीफ। सीमेट्री में तीनों ई आती हैं, ई ई ई। कॉन सेंस को आप कैसे याद रखेंगे, पहले कॉन फिर साइंस, कॉन और साइंस। साइंस की स्पेलिंग पता है, SCIENCE, कॉन और साइंस, कॉन सेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। रिदम, RHYTHM, रिदम। प्ले राइट, एक प्ले राइट एक ड्रामेटिस्ट होता है, PLAYWRIGST, ये प्ले राइट की स्पेलिंग है, ठीक है। ऑथर को भी हम प्ले राइट बोलते हैं, जैसे जावेद अख्तर हैं जो जो राइटिंग करते हैं या गाने वगैरह लिखते हैं, ठीक है। अकोमोडेट, अकोमोडेट में डबल लेटर आता है, इसमें सी इसमें डबल आता है और एम डबल आता है, सी डबल और एम डबल, अकोमोडेट, ठीक है। वियर, इसमें आई बाद में आता है, वियर्ड में। इस तरीके से थोड़ा सा इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एडमिटेड, बेनिफिटेड, मैरिड, ऑफर्ड, यहां पर कौन सी स्पेलिंग गलत है? देखिए एड में डबल टी आता है, एडमिटेड में, तो एडमिटेड की स्पेलिंग गलत है। बेनिफिटेड में एक्चुअली डबल टी आता भी है और नहीं भी आता, मतलब दोनों स्पेलिंग्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन ये है मोर कॉमन, BENEFITED, ये मोर कॉमन स्पेलिंग है, तो इसलिए इसको हम सही मानेंगे, गलत नहीं मानेंगे। ये मेरिट की स्पेलिंग, ऑफर्ड, एडमिटेड की स्पेलिंग इसमें गलत है, डबल टी क्योंकि इसमें आता है, तो ए इसका सही आंसर आपका होगा। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और जिस व्यक्ति को सर्विस से पूरे आदर के साथ पूरी इज्जत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया है उसको हम बोलते हैं एमरिटस। एमरिटस यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। बेलिजरेंट होता है जो क्वेरल सम है, जिसको लड़ने का बहुत शौक है, उसको हम बोलते हैं बेलिजरेंट या लड़ाकू। ट्रूएंट होता है जो क्लास से एबसेंट हो जाता है, भाग जाता है क्लास को, मिस करता है, ब्लंक बंक मार देता है जो, उसको हम बोलते हैं ट्रूएंट, ठीक है। मर्सिनरी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो केवल और केवल पैसे के लिए काम करता है और एथिक्स को ताक पर रख देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बिटस आपका आंसर होगा, बेलिजरेंट, ट्रूएंट और मर्सिनरी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत डिटेल में इनके मीनिंग्स आप पढ़ सकते हैं, और कुछ वर्ड्स के मैंने सिनोनिम्स भी दिए हैं यहाँ पर, जैसे एब्सेंटी, ट्रूएंट को हम एब्सेंटी भी बोलेंगे, मेलिंगरर भी बोलेंगे, शर्कर भी बोलेंगे। शर्कर होता है कामचोर, शर्क, शर्क अर्थ होता है काम चोरी करना, ठीक है। प्ले हुकी भी बोलेंगे इसको, और गो अवॉल भी बोलते हैं इसको, गो अवॉल का अर्थ होता है, अवॉल का अर्थ होता है एबसेंट विदाउट लीव, एबसेंट विदाउट लीव, ठीक है। मर्सिनरी के सिनोनिम्स क्या होंगे? एक तो वीनल होगा, एक रेपेसियस होगा। रेपेसियस का अर्थ होता है लालची, ग्रीडी या लालची। वीनल का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको जिसको रिश्वत दी जा सकती है, ठीक है, जो अपने एथिक्स को, अपनी ऑनेस्टी को ताक पर रख सकता है, उसको हम बोलते हैं वीनल या करप्ट। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड मैंने डिटेल में दिए हैं, और इसको सारे वर्ड्स ये देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एक ऐसी विचारधारा जिसमें हम मानते हैं, मतलब हम ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको हम दरकिनार करते हुए सोचते हैं, हम रियलिटी के बारे में नहीं सोचते, केवल कल्पनाओं के बारे में सोचते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सिनिसिज्म का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को डाउट की दृष्टि से देखना। इल्यूजन होता है एक भ्रम, और ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी दृष्टिकोण। यहां पर आप देख सकते हैं हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन एक दृष्टि भ्रम होता है, ठीक है। सपोज कहीं पर आप, जैसे डेजर्ट में होता है ये हेलुसिनेशन, डेजर्ट में आप कहीं भी जाएंगे तो दूर आपको दिखाई देगा कि वहां पर पानी है और वहां पर हिरन खड़े हुए हैं, वो पानी पी रहे हैं, लेकिन वहां पर एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हेलुसिनेशन क्या होता है? एक दृष्टि भ्रम होता है जिसमें जिसमें ऑब्जेक्ट वहां पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वहां पर वो प्रेजेंट है।
ये हैं आपके पैराजंबल और इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ग्रांटेड का अर्थ होता है कि माना कि, तो ग्रांटेड एक फ्रेज है और फ्रेज से कोई भी पैराग्राफ शुरू नहीं होता है, येट से भी कोई पैराग्राफ शुरू नहीं होता है, ठीक है, ग्रांटेड ऑल्सो से भी कोई पैराग्राफ शुरू नहीं होगा क्योंकि ग्रांटेड वर्ड इसमें रिपीट हुआ है। पैराग्राफ शुरू होता है कोई भी नाउन से, नॉर्मली नाउन या प्रोनाउन से, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही किसी पैराग्राफ का टाइटल बन सकता है। तो ये पैराग्राफ स्टार्ट होगा, देखिए ग्रांटेड से नहीं होगा, येट एक कंजक्शन है नहीं होगा, ठीक है, ग्रांटेड ऑल्सो इससे भी नहीं होगा, पैराग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि ब्लैंकेट बैन की बात हो रही है, एक सब्जेक्ट इसमें शुरुआत में दिया है, एक टॉपिक इसमें शुरुआत में दिया है, इसलिए ब्लैंकेट बैन से इसमें बात होगी। अ ब्लैंकेट बैन ऑन डिफेक्शन विल वीकन रादर देन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन हूज नेम इट इज बीइंग सॉट टू बी इम्पोज्ड। देखिए इंग्लिश आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ये इस तरह के पैराजंबल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो वोकेबलरी यूज़ हुई है वो काफ़ी अच्छे स्तर की वोकेबलरी यूज़ हुई है। जैसे इसमें एक वर्ड आया है डिफेक्शन, जो कि पॉलिटिक्स में यूज़ होता है, इसका अर्थ होता है दल बदल, ठीक है, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक दल से, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफेक्शन। डिसेंट का अर्थ होता है डिसअग्रीमेंट, रिकग्नाइज का अर्थ होता है पहचानना, इंक्रीजिंगली का अर्थ होता है कि बढ़ता जा रहा है ये चीज, ठीक है, डिफाइंस का अर्थ होता है चैलेंज, वीकन का अर्थ होता है कमजोर करना, स्ट्रेंथन का अर्थ होता है मजबूत करना। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए तभी आप इसको कर पाएंगे। स्प्लिट का अर्थ होता है तोड़ना। तो अ ब्लैंकेट बैन ऑन डिफेक्शन विल वीकन रादर देन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन हूज नेम इट इज बीइंग सॉट टू बी इम्पोज्ड। इसका मतलब ये है कि यदि डिफेक्शन पर आप पूरी तरीके से एक ब्लैंकेट बैन लगा देते हैं तो ये डेमोक्रेसी को वीक करेगा, उसको स्ट्रेंथन नहीं करेगा, क्योंकि लोगों के पास फिर ऑप्शन नहीं होगा किसी पार्टी को छोड़ने का। यदि पार्टी गलत काम कर रही है तो उस पार्टी को चेंज करने का या उसको उसको शिफ्ट करने का उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इससे निश्चित रूप से डेमोक्रेसी जो है वो वीक होगी। इसलिए ब्लैंकेट बैन जो है, इस ब्लैंकेट बैन की जो पॉलिसी है ये गलत हो सकती है, ठीक है। ग्रांटेड पॉलिटिकल डिफेक्शन इज इंक्रीजिंगली लेस एन एक्ट ऑफ, देखिए इसको आप यदि लॉजिक से आपको जल्दी से जल्दी टाइम में करना है तो ब्लैंकेट बैन शुरुआत में आ जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, इसके बाद ग्रांटेड वाला वर्ड आ जाएगा, क्योंकि उसमें हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि माना कि ऐसा हो सकता है लेकिन उसके बावजूद भी ब्लैंकेट बैन गलत होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। देखिए ग्रांटेड ऑल्सो वाला सेंटेंस शुरू में नहीं आएगा, वो ग्रांटेड के बाद आएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं ग्रांटेड और यहाँ पर हम बोल रहे हैं ग्रांटेड ऑल्सो, ठीक है। तो सेकेंड सेंटेंस आपका ये होगा और थर्ड सेंटेंस ये होगा और फोर्थ सेंटेंस आपका ये होगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस इसमें अप्रोच रहती है, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ें आप और उसका मीनिंग निकालें। इसमें आपका कॉमन सेंस एक्चुअली ये लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होता है। तो इसमें आपका आपका आंसर क्या होगा, इसमें पहले आर आएगा फिर पी आएगा, आर पी फिर आएगा एस और फिर आएगा क्यू, आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू इसमें आपका आंसर होगा। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताएं, इसका मैं और डिटेल में आपको इसका पूरा मीनिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फ्लो का अर्थ होता है कमी, किसी चीज़ का ड्रॉबैक्स जो होता है, डिसेंट डिसएग्रीमेंट होता है। तो इसको आपको लॉजिक को आपको इसमें अप्लाई करना होता है पैराजंबल में, ठीक है। अब जैसे ये है, देखिए इसमें देखिए कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, इसमें सेंटेंस कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो नॉर्मली नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। उस नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए बाद में फिर एक प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन बाद में आएगा, हमेशा ध्यान रखिए नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन बाद में आएगा। तो प्रोनाउन वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वो शुरुआत में नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिस जो है वो प्रोनाउन है, बी वी वैसे प्रोनाउन है लेकिन दिस एक्चुअली डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इसको एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी नीड टू रिकग्नाइज आर रिएक्शन टू द अदर पर्सन एज ए मिरर ऑफ समथिंग इन आर सेल्फ्स। We need to recognize our reactions to the other person as a mirror of something in ourselves. हम किसी व्यक्ति के प्रति यदि पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा ही मिरर है, ये इसका मतलब माना जाएगा,
ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका आर, और उसके बाद आप बोल सकते हैं, इसके बाद आप बोल सकते हैं ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं, वी नीड टू रिकग्नाइज आर रिएक्शन टू द अदर पर्सन एज ए मिरर ऑफ समथिंग इन आर सेल्फ एज डिफिकल्ट एज इट मे बी टू रिकग्नाइज. अब देखिए इसमें एक कॉमन वर्ड का यूज़ हो रहा है, इसमें रिकग्नाइज वर्ड आया है और इसमें भी रिकग्नाइज आया है, तो इसलिए इसके बाद आप इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं कॉमन रेफरेंस पॉइंट. जो चीज़ इसमें बोली जा रही है वही एक्सटेंड करके इसमें बोली जा रही है. तो आर फर्स्ट हो गया, इसके बाद आप ये वाला सेंटेंस लगा सकते हैं, एज डिफिकल्ट एज इट मे बी टू रिकग्नाइज वॉट इट इज़ इनसाइड अस. देखिए इसमें भी हम इनसाइड अस की बात कर रहे हैं और इसमें भी हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. दैट इज मेकिंग अस रिस्पॉन्ड विथ नेगेटिविटी, दैट इज द पाथ टूवर्ड फॉरगिवनेस. बिल्कुल सही. तो आर के बाद पीयू लगा सकते हैं और इसके बाद आप बोल सकते हैं, वॉट एवर द इशू माइट बी वंस यू हैव डिस्कवर्ड देम यू कैन वर्क ऑन फॉरगिविंग योर सेल्फ. देखिए सेकेंड सेंटेंस में फॉरगिव वर्ड आ रहा है और थर्ड में भी फॉरगिविंग आ रहा है, तो इसलिए आप आर पी के बाद आप एस लगा सकते हैं और उसके बाद आप क्यू लगा सकते हैं. तो आर पी एस क्यू, इसमें भी आपका आंसर होगा आर पी एस क्यू. आराम से पढ़ें आप इस वीडियो को रोक के और खुद आप एनालाइज करें कि किसके बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए. लॉजिकली सारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करें और बिल्कुल सही तरीके से एक्यूरेसी के साथ इस तरह के सेंटेंसेस को आप कर पाएंगे. इसमें थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. इसके पैराजंबल के कुछ सेपरेट वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, पैराजंबल के क्लोज टेस्ट के और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन के, क्योंकि इसमें तो ये तो एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें मैं थोड़ा और डिटेल में आपको इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा. देखिए ये है एक्टिव पैसिव वॉइस और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस है. आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड हिम एट द गेस्ट हाउस. देखिए सारी चीज़ों में यदि आप ट्रिक अप्लाई करते हैं तो बहुत ही आसानी से बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सेंटेंसेस को कर पाएंगे. अब देखिए आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड हिम एट द गेस्ट हाउस. पूरा सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, क्योंकि पैसिव वॉइस में इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. तो इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी इज एम आर वॉज वर्ब नहीं है. वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है लेकिन इज एम आर वॉज वर्ब नहीं है. इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस जो लिखा है ये एक्टिव वॉइस में लिखा है और इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो इसमें दो पार्ट हैं, पहले आपको इस पार्ट को चेंज करना है फिर इस पार्ट को चेंज करना है. तो देखिए ड्राइविंग वर्ड क्या है, कंटिन्यूस टेंस है, और कंटिन्यूस टेंस जो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसको हम किस में चेंज करते हैं, उसको हम एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करते हैं तो उसको बीइंग प्लस वी थ्री में हम चेंज करते हैं. ठीक है, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन, यानी वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है उसको हम बीइंग प्लस वी थ्री में चेंज कर देते हैं. और बीइंग प्लस वी थ्री इसमें केवल इस सेंटेंस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें दिया है. लेकिन ये सेंटेंस जो है इसमें देखिए पास्ट टेंस का ये वर्ड दिया हुआ है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे. ठीक है, ये पास्ट सिंपल टेंस है. जैसे यहाँ पर आप देखिए ही ड्रॉप्ड हिम एट द गेस्ट हाउस, ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए वॉज का प्रयोग इसमें नहीं होगा. तो ड्राइविंग को हम चेंज कर देते हैं बीइंग प्लस ड्रिविन में. आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल, तो इसको हम बोलेंगे आफ्टर बीइंग ड्रिविन टू द हॉस्पिटल. ठीक है, अब देखिए इसका क्या बनेगा, ही ड्रॉप्ड हिम, उसने उसको ड्रॉप किया गेस्ट हाउस तक. तो ये हिम कौन है, हिम है डॉक्टर बोस. ठीक है, तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसमें ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए डॉक्टर बोस इसमें शुरू में आ जाएगा. ठीक है, और चूंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए इसमें वॉज वर्ब का प्रयोग होगा. पास्ट सिंपल टेंस को एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो उसमें हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके साथ थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है आप देख सकते हैं. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, ये इसका आंसर होगा, आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द हॉस्पिटल डॉक्टर बोस वॉज ड्रॉप्ड एट हिज गेस्ट हाउस, ये इसका सही आंसर होगा. अब डी वाले में देखिए, डी वाले में फर्स्ट पार्ट भी गलत है और सेकंड पार्ट भी पूरी तरीके से गलत है.
फर्स्ट एंड देन ही वॉज बींग ड्रॉप्ड, ये पूरी तरीके से गलत है। इसके एक्टिव वॉइस के मैंने वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू, तो इसके बेसिक सबसे पहले आप क्लियर करें, उसके बाद इस तरह के सेंटेंसेस की मैं काफ़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उसके थ्रू ये सारे एक्टिव पैसिव वॉइस आपके क्लियर हो जाएंगे। ये है नरेशन का सेंटेंस, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर ए चेंज। देखिए मैं अपने सारे स्टूडेंट से बोलता हूँ, यदि आप ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लेटस हम कब बोलते हैं, लेटस हम जब बोलते हैं जब हम किसी व्यक्ति को सजेशन देते हैं, और सजेशन का इसमें केवल एक ही सेंटेंस है और वो है डी, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू अ पिकनिक फॉर ए चेंज। तो एक सिंपल ट्रिक को हमने अप्लाई किया कि लेटस का प्रयोग हम सजेशन को बताने के लिए करते हैं, और सजेशन का इसमें केवल एक ही सेंटेंस दिया है इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। आपको सारे सेंटेंसेस को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है सेंटेंस और अप्लाई आप नहीं कर पा रहे हैं कॉमन सेंस या लॉजिक, तब आपको सारे सेंटेंसेस को देखना है। सबसे पहले आपको ट्रिक अप्लाई करनी है ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस स्कोर कर सकें, तो ये आपका पर्पस होना चाहिए। ये क्लोज टेस्ट है और इसको हम पढ़ते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। लिटरेचर इज ए थ्रू विच अ पर्सन कन्वे हिज आइडिया। देखिए थ्रू वर्ड यहाँ पर भी आता है, थ्रू वर्ड वो मीडियम के लिए आता है, तो इसलिए फर्स्ट में आपका आंसर होगा मीडियम। यहाँ पर भी देखिए मैंने ट्रिक को अप्लाई किया, ठीक है, लिटरेचर इज ए मीडियम थ्रू विच, जिसके द्वारा अ पर्सन कन्वे हिज आइडिया टुवर्ड और प्रोटेस्ट, ठीक है। देखिए प्रोटेस्ट जब हम करते हैं तो किसी चीज़ के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करते हैं, किसी चीज़ के विरोध में हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो सेकेंड में आपका आंसर हो जाएगा अगेंस्ट। हर जगह आपको ट्रिक अप्लाई करना है और आसानी से आप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी द वर्ल्ड दैट डील्स विद अ, लिटरेचर में हम नॉर्मली सोसाइटी के मोरल इशूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है, लिटरेचर में ये एक जाना माना फैक्ट है, और मोरलिटी के जो इशूज होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव इशूज होते हैं सोसाइटी में, और उसी में लिटरेचर को हम डिस्कस करते हैं। तो जो इश्यूज होते हैं वो इकोनॉमिकल इनसेंसिटिव या ब्रॉड नहीं होते, वो मोरल इश्यूज होते हैं जिनको लिटरेचर में डिस्कस किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। डील विद ए मोरल इशू आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर, दे आर विद ए पर्टिकुलर पर्पज। अब देखिए जो इश्यूज होते हैं लिटरेचर में हम क्या करते हैं, उनको ब्रॉड फाउंडेड या रिप्रेजेंट, दे आर रिटन हम बोल सकते हैं क्योंकि उनको लिखा जाता है ऑथर के द्वारा, उनको लाया नहीं जाता या उनको स्थापित नहीं किया जाता, जो इश्यूज होते हैं उनको रिटेन किया जाता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दे आर रिटेन विद ए पर्टिकुलर पर्पस इन, वो एक पर्टिकुलर पर्पस को दिमाग में रख के, एक पर्टिकुलर पर्पस को दिमाग में रख के उनको लिखा जाता है, तो अ पर्टिकुलर पर्पस इन माइंड, इन माइंड एक्चुअली एक फ्रेज है, तो इनके साथ यहाँ पर माइंड वर्ड ही सही आपका ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें 25 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी में टीयर वन में और टीयर टू में आपको देखने को मिलेंगे, और जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं उन ट्रिक्स को आप अप्लाई करते हैं, अपने बेसिक्स आप क्लियर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आराम से आप सीजीएल टीयर वन और टीयर टू में इंग्लिश लैंग्वेज में 90% तक आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये सेट 7 था एसएससी सीजीएल 2017 का, और इसके आगे के सेट्स भी मैं इस कोर्स में अपलोड करूंगा, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप रेज करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर और इन नंबर्स के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।